In this video, we will study about the fourth chapter of the class 12th, and the chapter name is Alternative Centers of the Power. Previous video में पढ़ चुके हैं अमेरिका ने कैसे हेजेमनी जमाई. उसके बाद 1989 के बाद यानी 1991 के बाद जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इंटरनेशनल लेवल पर किस तरीके से पावर जो है राइज होने लगे एज अ संगठन में, मतलब एज अ ऑर्गेनाइजेशन और एज अ इंडिविजुअली. तो यहाँ पर आज हम नॉर्मली पढ़ने वाले हैं यूरोपियन यूनियन के बारे में. ठीक है, यूरोपियन यूनियन की अगर हम बात करें उससे पहले हम थोड़ा पीछे कॉन्टेक्स्ट जान लेते हैं. अब जब 1945 के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो यूरोपियन कंट्रीज जो थी उनके सामने क्वेश्चन आया कि भाई अब हम अपने जो रिलेशन है अदर कंट्रीज के साथ कैसे बनाएं, अच्छे बनाएं या बुरे बनाएं. ये यूरोपियन कंट्रीज के सामने ये क्वेश्चन आ गया. ठीक है, दूसरी बात क्या हुआ था कि भाई अब वो उनके ऊपर डिपेंड था कि भाई वो पॉजिटिव रिलेशन बनाए या नेगेटिव रिलेशन बनाए इंटरनेशनल लेवल पर दूसरी कंट्रीज के साथ. ठीक है, दूसरी बात ये बोली सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने उनके जो मैनेजमेंट थे सारे वो बेकार कर दिए थे, मतलब एक तरह डिस्ट्रॉय कर दिए थे यूरोपियन कंट्रीज के. इसके अलावा 1945 तक जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ यूरोपियन कंट्रीज ने काफी इकोनॉमिक क्राइसिस भी झेला. ठीक है, और इसके अलावा जो उनके जो कुछ मैनेजमेंट्स थे वो भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुके थे. अब बाद में होता क्या है, यहां पर अमेरिका जो है अमेरिका उनको इकोनॉमिकली हेल्प करता है. इकोनॉमिकली जो उनको हार्म होता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उसके लिए, उसको रिवाइव करने के लिए जो अमेरिका यहां पर हेल्प करता है जिसे नॉर्मली मार्शल प्लान कहा जाता है. ठीक है, आगे नाटो, जो अमेरिका है वो नाटो को भी इनको एज अ ग्रुप सिक्योरिटी देने के मैनेजमेंट करता है. नाटो को मतलब यहां पर लगवाता है, मतलब शासित करवाता है, एक तरह से मैनेज कराता है ताकि वो उनको ग्रुप वे में सिक्योरिटी अवेलेबल करवा सके यूरोपियन कंट्रीज को. ठीक है, देन 1948 में यूरोपियन इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन नाम की ऑर्गेनाइजेशन स्टेब्लिश होती है. ठीक है, जिसका मेन इंटेंशन क्या होता है कि यूरोपियन कंट्रीज के जितने भी देश हैं उन सबको इकोनॉमिकल हेल्प मिले. ठीक है, और आपस में जो इकोनॉमिकल ट्रेड वेड है उसमें कोऑर्डिनेशन बैठे. दूसरा 1949 में एक और काउंसिल बनती है जिसे नॉर्मली हम बोलते हैं काउंसिल ऑफ यूरोप. ठीक है, इसके द्वारा जो इकोनॉमिकली इकोनॉमिक की बात किसमें थी, यूरोपियन इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन में. यहां पर तो काउंसिल ऑफ यूरोप है वहां पर जो यूरोपियन कंट्रीज के पॉलिटिकल टॉपिक्स के ऊपर बात की जाएगी, पॉलिटिकल रिलेशंस के ऊपर बात की जाती थी. ठीक है, लास्ट में इसको इसलिए ही बनाया कि जो पूरी यूरोपियन कंट्रीज है उसमें सभी यूरोपियन कंट्रीज कैपिटलिस्ट पॉलिसी को एक्सेप्ट करें, इसलिए भी इस काउंसिल ऑफ यूरोप को बनाया गया था. ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं. तो एक और ऑर्गेनाइजेशन बनता है 1957 में, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी. ठीक है, इसका क्या थोड़ा कंटेक्स्ट था, ये था कि आफ्टर द फॉर्मेशन यूरोपियन पार्लियामेंट इट टर्न इनटू अ पॉलिटिकल डायमेंशन. ये जो 1957 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी जो है वो धीरे धीरे पॉलिटिकल का डायमेंशन ले लेती है और बाद में एट द एंड 1992 में ये जो डायमेंशन चेंज हो जाता है यूरोपियन यूनियन नाम के ऑर्गेनाइजेशन के रूप में. ठीक है, इस तरीके से छोटे छोटे ऑर्गन्स के द्वारा ये बाद में एट द एंड अपना 1992 में अपना जो यूरोपियन यूनियन है वो फॉर्म हो जाता है. ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं. यहां पर इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू क्या हुआ, एक पूरा तो वे तैयार हो गया किस चीज का, कि भाई सबकी सेम फॉरेन पॉलिसी होगी, सिक्योरिटी पॉलिसी सबकी सेम होगी, कॉर्पोरेशन भी बहुत सबका सेम होगा, दूसरा जो जस्टिस है और यहां पर सिंगल करेंसी की बात की है जो करेंसी है वो भी सबकी बराबर होगी. आगे आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय में जो यूरोपियन यूनियन बना, ठीक है, वो धीरे धीरे पहले तो एक इकोनॉमिकली ऑर्गेनाइजेशन थी जो इकोनॉमिकली एक दूसरे की कंट्रीज के बीच में कॉर्पोरेशन करती थी, लेकिन बाद में क्या हुआ वो एक इंटरनेशनल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बननी फिराग में थी और तरह से बन भी गया. ठीक है, यूरोपियन यूनियन स्टार्ट एज अ नेशन स्टेट, जो यूरोपियन यूनियन था ना वो एक नेशन स्टेट की तरह एक्ट करने लगा. इट ट्राइड टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन बट नॉट सक्सेस. यूरोपियन यूनियन जो था उसने कोशिश भी करी कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करे लेकिन वो असफल रहा, अनसक्सेसफुल रहा. लेकिन तब भी उसके पास अपना एक फ्लैग था, उसका एक अपना एंथम था, उसकी फाउंडेशन डेट थी और उसकी एक अपनी करेंसी थी. ठीक है, इसके अलावा यूरोपियन यूनियन में जितनी भी कंट्रीज थी सबकी कॉमन सिक्योरिटी और सबकी कॉमन फॉरेन पॉलिसी हुआ करती थी. ठीक है, अब यहां पर बोला है कि भाई यूरोपियन यूनियन में कौन कौन सी कंट्रीज आ रही है,
हमने बात करी थी भाई 1991 के बाद, यानी जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ था, तो डिसइंटीग्रेट हुई हुई कंट्री जो है इस यूरोपियन कंट्रीज में आकर मिली थी, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस था बहुत ईजी था कि भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, उसके बाद कोल्ड वॉर चला, कोल्ड वॉर के बाद डिसइंटीग्रेशन हुआ यूएसएसआर का, तो जो यूएसएसआर से डिसइंटीग्रेटेड कंट्रीज हैं वो डायरेक्ट क्या कहते हैं यूरोपियन यूनियन में जाकर इन्वॉल्व हो गई, मिल गई, ठीक है। सम कंट्रीज बिलीव दैट देयर पावर विल बी ट्रांसफर टू यूरोपियन यूनियन। अब यहां पर एक समस्या और थी कि ये जो कंट्रीज थी इनके मन में एक डाउट था कि अब इनकी जो ऑटोनोमस ऑटोनोमी जो है स्वायत्तता वो नहीं रहेगी, इनकी पावर जो है यूरोपियन यूनियन नाम के संगठन के पास चली जाएगी, ठीक है। दूसरी बात, कुछ जो सम कंट्रीज थी वो बिल्कुल डिसएग्री थी, बिल्कुल असहमत थी। अगर बात की जाए इकोनॉमिकल वे में, इकोनॉमिकली पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिक वे में, यूरोपियन यूनियन तो बहुत बढ़िया था। कैसे? 2005 के टाइम में एक बहुत बढ़िया इकोनॉमी थी इसकी वर्ल्ड लेवल पर, ठीक है, ट्रेड में, और इसकी जो जीडीपी थी करीब 12,000 से लेकर 17,000 ट्रिलियन थी, जो कि अमेरिका के बाद की बात की जा रही है, ठीक है। दूसरा, यूरो जो था पोस्ट एक्ट यूएस डॉलर, यूरोपियन पूरा यूनियन की हमने बात करी इसकी, यूरोपियन यूनियन जो उसकी एक अलग से करेंसी थी वो थी यूरो, ठीक है। एक टाइम ऐसा है कि भाई यूरो ने, यूरो जो था डॉलर के लिए भी खतरा बन चुका था, ठीक है। दूसरा, शेयर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड इन मच लार्जर देन द यूएसए, और दूसरा जो वर्ल्ड लेवल पे जो ट्रेड हो रहा था यूएसए से भी ज्यादा था इसका, किसका, यूरोपियन यूनियन का। ड्यू टू दिस अलाउड टू बी मोर असर्टिव इन ट्रेड डिस्प्यूट द यूएस एंड चाइना। इस अपनी पावरफुल कंडीशन के कारण जो यूरोपियन यूनियन था वो अब असर्टिव वे, मतलब बहुत धौंस वाले तरीके से वो आराम से चाइना और अमेरिका से बात करता था, ठीक है। एशिया एंड अफ्रीका कंट्रीज आल्सो इन्वॉल्व इन इट। इसके अलावा यू नहीं कह सकते कि भाई जो यूरोपियन यूनियन है सिर्फ आसपास के देशों पे ही अपना पावर जमा रहा था, मतलब अपना डोमिनेंस दिखा रहा था, वो एशिया और अफ्रीका की दूर दूर कंट्रीज पे भी अपना डोमिनेंस दिखा सकता था, दूसरे दूर दूर कंट्रीज के ऊपर भी अपनी पावर दिखाता था। दूसरी बात, आल्सो वर्क एज एन इंपॉर्टेंट ब्लॉक इन इंटरनल इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। बाद में जो बड़े बड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी, अपनी वर्ल्ड ट्रेड हो गई ऑर्गेनाइजेशन हो गई, WHO हो गई, इनमें भी काफी अच्छा इफेक्ट जमने लग गया था इसका, किसका, यूरोपियन यूनियन का। इसके अलावा अगर सिक्योरिटी लेवल के ऊपर बात की जाए तो जो अपना यूरोपियन यूनियन है उसके तो दो कंट्रीज ऐसे हैं जो यूएन में परमानेंट सीट के मेंबर भी हैं, कौन कौन है वो है, फ्रांस और ब्रिटेन, ठीक है। अदर कंट्रीज आल्सो इन अ नॉन परमानेंट मेंबर, इसकी कुछ ऐसी कंट्रीज भी हैं जो नॉन परमानेंट मेंबर्स भी हैं, यूरोपियन यूनियन की कुछ ऐसी कंट्री हैं जो यूएन में नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। आल्सो इफेक्ट द पॉलिसी ऑफ द मेनी कंट्रीज लाइक यूएसए। इस यूरोपियन यूनियन की जो पावर इस तरीके से बढ़ रही थी कि भाई वो एक तरह से यूएस तक जैसी कंट्रीज की भी पॉलिसीज को इफेक्ट कर रहा था। दूसरा, यूरोपियन यूनियन टू इन्फ्लुएंस द यूएस पॉलिसी लाइक यूएस पोजिशन एंड ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम। भाई ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम के दौरान यूएस की क्या कंडीशन थी उसको भी यूरोपियन यूनियन ने इफेक्ट करा, ठीक है। इफेक्टिव केस ऑफ डायलॉग विद चाइना फॉर ह्यूमन राइट्स एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। इसके अलावा उसने चाइना के साथ बहुत ही इफेक्टिव तरीके से बात करी, किन टॉपिक्स पर लेकर, एनवायरमेंट को लेकर, ह्यूमन राइट्स को लेकर। तो एट द एंड अब हम थोड़ी सी मिलिट्री के ऊपर बात कर लेते हैं, सिक्योरिटी के ऊपर बात कर लेते हैं कि इसकी सिक्योरिटी कंटेक्स्ट क्या थे। सेकंड सबसे बड़ी मिलिट्री थी इसके पास, ठीक है, इसका सिक्योरिटी बजट जो था सेकंड नंबर पे आता था आफ्टर यूएसए। दूसरी बात, ब्रिटेन एंड फ्रांस हैज न्यूक्लियर पावर, आपको पता है ब्रिटेन और फ्रांस उसके पास न्यूक्लियर पावर थी, और कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी लेवल में भी सेकंड नंबर पे ये यूएसए के बाद आने लग गया। एज ऑर्गेनाइजेशन यूरोपियन पावर यूनियन हैज अ पावर टू इंटरवीन इकोनॉमिकल पॉलिटिकल एंड सोशल एरियाज। अब एक तरीके से हम ये कह सकते हैं यूरोपियन यूनियन इतना पावरफुल हो गया हर सेक्टर में, सोशली इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली, कि वो कहीं भी किसी भी कंट्री के जो टॉपिक्स है इश्यूज है उसमें इंटरवीन कर सकता, मतलब दखल देख सकता था। एंड बट इन मेनी केसेस मेंबर ऑफ कंट्रीज ऑफ यूरोपियन यूनियन हैड डिफरेंट फॉरेन पॉलिसीज एंड डिफेंस पॉलिसी। लेकिन कई बार ये भी देखा गया है कि कई कंडीशंस में यूरोपियन यूनियन की जो अलग अलग कंट्रीज है उनकी अलग डिफेंस, मतलब अलग अलग फॉरेन पॉलिसीज हैं और अलग अलग डिफेंस पॉलिसीज भी हैं। इसके अलावा ब्रिटेन का पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर वाज विद द यूएसए इन इराक इन्वेजन, बट जर्मनी फ्रांस आर अपोजिट ऑफ। अगर इसने एक कंडीशन दे रखी है कि भाई एक टाइम पे जब इराक इन्वेजन हुआ था तो
ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर थे टोनी ब्लेयर वो यूएस के साथ थे, लेकिन इसी दौरान जो जर्मनी और फ्रांस थे वो बिल्कुल इसके अगेंस्ट थे। तो हम ये कह सकते हैं देखो यूरोपियन यूनियन जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि सबकी फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी पॉलिसी एक जैसी थी, लेकिन कई ऐसी कंडीशन आती है जिनमें कई बार इनकी जो फॉरेन पॉलिसी जो है और सिक्योरिटी पॉलिसी अलग अलग हो जाती है। दूसरा सम मेंबर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन आल्सो द मेंबर ऑफ यूएसए, कुछ ऐसी कंट्रीज जो यूनाइटेड स्टेट्स का भी पार्ट है। इन सम पार्ट ऑफ यूरोप स्केप्टिस एंड फॉर द यूरोपियन स्केप्टिसिज्म, इसमें बोला गया कि भाई कुछ पार्ट यानी यूरोपियन यूनियन के कुछ कंट्रीज में यूरो जो हमने बात करी थी जो करेंसी है यूरोपियन यूनियन की उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया है। क्या ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर कैप्ट यूके आउट ऑफ द यूरोपियन यूनियन मार्केट। इसके अलावा यहां पर बात किया गया ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने यूनाइटेड किंगडम को यूरोपियन यूनियन की मार्केट से अलग रखा हुआ है, ये भी थोड़ा कंडीशन है। और लास्ट बात जो है डेनमार्क और स्वीडन रजिस्टर्ड द मास्टर ट्रीटी एंड अडॉप्ट ऑफ यूरो। इसके अलावा जो मास्टर ट्रीटी हुई थी उसको डेनमार्क और स्वीडन जो है उन्होंने रजिस्टर कर रखा है, ठीक है। और दूसरा उन्होंने क्या कर रखा है यूरो को अडॉप्ट कर रखा है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द यूरोपियन यूनियन। अगले वीडियो में हम इसका सेकंड टॉपिक समझेंगे आसियान के बारे में। थैंक यू।